हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रही हूँ, बस ऐसे आप मेरा मन कर रहा था कि आपसे कुछ बातें करूँ। तो और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मुझे दो तीन बातें आपसे करनी थी। एक ये कि आप जो 3 मार्कर है वो किससे रेडी कर रहे हो, आपने कौन सी बुक ली? मेरी नज़र में दो है, एक तो तक्षशिला पब्लिकेशन की है, ठीक है, एक कबीर पब्लिकेशन की है, और आकार के नोट्स भी आते हैं 3 मार्कर के। तो आपको कौन सा बेस्ट लगा, आप किससे कर रहे हो, एक ये आप कमेंट्स करके बताना मुझे। नेक्स्ट ये कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि आप पूरा पढ़ लेंगे तब आंसर राइटिंग करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो आप एक सब्जेक्ट जैसे ही पूरा कंप्लीट करोगे उसके बाद आप दूसरा पढ़ने लगोगे। एक पूरा पढ़ के कंप्लीट हो गए तब तक हम थोड़ा कुछ कुछ भूल जाते हैं चीजों को, और फिर से कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि लिखे कैसे। तो मेरा मानना है कि अगर आपने 40% भी पढ़ लिया है चीजों को, तो आप जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर ली, एंशियंट हिस्ट्री का टेस्ट दे दो, ठीक है, इससे आपका पार्ट वाइज डिवाइड भी हो जाएगा और आप सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ भी पाओगे। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज अभी नई भी ज्वाइन की है, या वेट कर रहे हो कि कोई डिसीजन वगैरह आ जाए जो ये सब आने वाला है, ठीक है, तो उसके लिए आप कॉपी ले सकते हो एक, जैसे कि ऐसे आती है ना मेंस की, मैंने ये ले रखी है। और मैं जैसे किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी पार्ट रेडी हो जाता है ना मेरा, तो मैं उसका टेस्ट दे देती हूँ। 15 3 मार्कर, 5 6 मार्कर और 2 15 मार्कर, ऐसे तो मेरा पार्ट वाइज भी रेडी होते जा रहा है बहुत अच्छे से, और क्वालिटी भी आ रही है आंसर में बहुत अच्छी सी। तो मुझे हैप्पीनेस होती है कि वाह, ये आंसर मैंने लिखा है इतना अच्छा। ठीक है, तो आप लोग भी पूरा कंप्लीट करने के पीछे मत भागिए, जितना भी आपका कंप्लीट हुआ है चीजों को सीखिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, कि आपको किसी चीज के बारे में सिर्फ डेफिनेशन पता है और एक दो पॉइंट उसकी विशेषताएं पता है, ठीक है, तो आपको थोड़ा बड़ा आंसर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? तो आपने डेफिनेशन दे दी, मतलब आप थोड़ा बहुत जानते हो उस टॉपिक के बारे में, थोड़ी बहुत विशेषताएं बता दी, 3 4 पॉइंट। अब आपको आपका पेज नहीं भरा, अब आप करो कि आपके पास कंटेंट नहीं है, तो आपको ये अपने दिमाग में आना चाहिए कि मुझे, मैं इसकी कमियां लिख दूं थोड़ा सा, इसकी सीमाएं क्या है, विशेषताएं बता दी, ठीक है, अब मैं इसको पॉजिटिव निगेटिव बता देती हूँ और या बता देता हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा सुझाव दे दूं अपने, 2 3 पॉइंट सुझाव के आ जाएंगे, प्रयास बता दूं सरकार के क्या प्रयास कर रही है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है, या इंटरनेशनल लेवल पे इस पे क्या हो सकता है, ऐसा कुछ आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हो, है ना, सरकार की, या फिर कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, स्कीम की लिस्ट आप रेडी रखो हर एक चीज से रिलेटेड, जिसमें आपको लगे सब में डालते जाओ। आपको कभी भी किसी भी टॉपिक के बारे में आपको कुछ कम भी आएगा ना, अगर आप स्कीम्स वगैरह डालोगे तो आपको ऑलरेडी आप सबसे आगे रहोगे, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और अभी आप, इतना टाइम हो रहा है, आप शायद 11:15 बज रहे होंगे या 10:30, तो आप पढ़ रहे होंगे और अच्छे से, लेकिन मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, आपने आंसर राइटिंग की कि नहीं की, क्योंकि फाइनली जो मेंस में जो सिलेक्शन डिसाइड करता है कि हम लिख पा रहे हैं चीज़ों को कि नहीं। और जैसे कि अगर ये एग्ज़ाम दो दो 3 साल पहले होता तो इतना कंपटीशन नहीं था, ठीक है, अब आपको थोड़ा क्वालिटी भी देनी पड़ेगी आंसर में, पूरा पेपर अटेम्प्ट भी करना पड़ेगा, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको पढ़ाई भी करनी है और आंसर राइटिंग मस्ट है। क्योंकि एग्जाम वाले दिन आपको पता है क्या होता है, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपको कुछ बन नहीं रहा है, एग्जाम में पेपर में सब बनता है, बस 2 3 3 मार्कर को छोड़ दिया जाए। प्रॉब्लम ये आती है कि स्पीड नहीं है, टाइम खत्म हो गया, और जो बनते हुए क्वेश्चन छूटने का जो पेन है ना, वो आपको लाइफ टाइम रहेगा। इसलिए पहले से प्रैक्टिस कर लो, अपना पेपर 5 मिनट पहले ही खत्म कर लो, ठीक है, आप अपने पेन रख दिया करो। इवन अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एग्जाम जब आप एकदम टाइम आम है 3 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, उस टाइम तक अपने आप को इस कंडीशन में ले आओ पहले से ही प्रैक्टिस करके, कि 5 मिनट पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जाए,
आपको अंडरलाइन करने का, कुछ या आपने क्वेश्चन में नंबरिंग नहीं की, कुछ भी करने का आपको टाइम बहुत अच्छे से